सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41 वचन 9 से। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41 वचन 9 से। आइए वचन को देखते हैं। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का जो दास यशाया है, उस यशाया से परमेश्वर जब बात करता है तो उसे कहता है, आश्वासन देते हुए, परमेश्वर आश्वासन देते हुए यशाया भविष्यवक्ता से कहता है कि तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है, कहता है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुम्हें क्या किया है, इस पृथ्वी के दूर दूर देशों से तुम्हें लिया है और पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच से मैंने बुलाया है और बुलाकर तुझसे कहा है कि देख तू मेरा दास है, देख तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। परमेश्वर कहता है, देख तुझे मैंने दूर दूर देशों से चुना है और पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच से मैंने तुझे चुना है और कहता है मैं एक छोर से दूसरे छोर के बीच से तुम्हें बुलाया और बुलाकर मैंने तुमसे कहा कि देख तू मेरा दास है और मैंने तुम्हें चुना है, तुझे त्यागा नहीं है, इसलिए कहता है कि तू मत डर, कहता है इसलिए कभी डरना मत, क्यों, क्योंकि मैं तेरे संग। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की संतान तू डरना मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। कहता है तू इधर उधर ताकने का काम मत करना क्योंकि मैं क्या हूं, तेरा परमेश्वर। कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। कहता है तू कभी डरना मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कहता है इधर उधर मत ताकना, यानी तू डर कर भयभीत होकर कभी इधर उधर का मार्ग मत पकड़ना, कोई दूसरा मार्ग मत पकड़ लेना। कहता है कभी दूसरा मार्ग मत पकड़ लेना, इसलिए कहता है कि ये बात मैं तुझे इसलिए चताकर बता रहा हूं, इसलिए कि मैं तेरा परमेश्वर, क्योंकि मेरे सिवा इस संसार में कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं, मेरे सिवा संसार में कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, इसलिए सुन ले मेरी बात। कहता है कि देख मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। कहता है कि देख इसलिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा और तेरी सहायता भी करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें इस्तेमाल, दाहिने हाथ से संभालू, अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से संभालू, इसलिए कहता है संभालूंगा क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा दास है, मेरी संतान है, मैं तुझे त्यागने वाला नहीं, तुझे छोड़ने वाला नहीं। कहता है कि मैं तो तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर, मेरे सिवा तेरा कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई,
हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह हमारे संग चलता है, वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, जीवन की रक्षा। इसलिए आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके भी जीवन की रक्षा करेगा, आपके भी प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज सुबह की आशीष से आप सबके जीवन में दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु हर एक के शरीर को स्पर्श कर, हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, सारी बीमारियां नष्ट होने पाए, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे ढेर के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहे जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को, इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख हर तकलीफ हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितनी भी गंदी आत्माएं इनके जीवन में, हे परमेश्वर, सारी की सारी गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकले, हर तंत्र की प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए, जादू टोने की शक्तियां इनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार व चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए छुटकारा पाए, इनके सर में दर्द हो निकल जाए, इनकी जिनके कानों में तकलीफ हो निकल जाए, आंख में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो, दांत में तकलीफ हो निकल जाए, गले में गिल्टी आओ, गले की सारी तकलीफें निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारी हो, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की हो, साटिका की बीमारी बिल्कुल नष्ट हो गई। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते विताल की काम करने वाला प्रभु है, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में तो अद्भुत आशीष आने दे, जिसका हाथ उठता नहीं उठने लगे, पैर चलता नहीं चलने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन की चाहे जो परेशानियां दूर होने पाए, शरीर में पतली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी बेचैन करना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजली नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया स्नोफीलिया बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में जितने दुख जितनी तकलीफ जितनी परेशानियां सब नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भी था, जितने नौकरी की तलाश में नौकरी की आशीष दे, जितने रोजगार की तलाश में रोजगार की आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा आदा हो, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन चलने का साधन। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जीवन में जो दुख जो तकलीफ जो परेशानियां नष्ट होने पाए, वो प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओल्ली बारे बात से खेरिंदोलूर वास्ता काला अबलमंद विशिल रे बारे बात से खेरिंदोलूर। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य के अंदर आई और सबके सब तेरे आशीष के द्वारा सामर्थ के द्वारा भला चल रहा। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।